नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या जी। सूर्या जी, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सातवीं बार बजट पेश किया है, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? ये देश के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल और अभी के लिए और 5 साल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश के लिए दिए हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है जी। ये बजट युवा केंद्रित बजट है, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के मौका दिलाने वाले, सृष्टि करने वाले बजट है जी। देश को आर्थिक रूप से, देश को फूड सिक्योरिटी के रूप में और देश के शहरों को, देश के ग्रामीण विभाग को, सबको आने वाले 25 साल में विकसित बनाने के दृष्टि से किया गया बजट है। मैं इस बजट को स्वागत करता हूँ जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आप, हम देखते रहते हैं कि आप देश भर में दौरा करते हैं, युवाओं से आपके लगातार संवाद होता है। सरकार योजना लाई है कि 4 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, उनके भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। आपको क्या लगता है ये जो योजना है कैसे एक क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है? देखिए, इस बजट को 3 शब्दों में व्याख्यित कर सकते हैं, तो ये रोजगार 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 की बजट है जी। जो रोजगार देने वाले कंपनीज़ हैं जी, उन सभी कंपनीज़ को अधिक से अधिक इनक्रेजमेंट करने की बात हुई है जी। करोड़ों संख्या में युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात हुई है जी। फर्स्ट जॉब के फर्स्ट मंथ सैलरी जी केंद्र सरकार देने की बात बजट में हुई है जी। मुद्रा योजना जैसे जो योजना है जी, जो सक्सेसफुली 10 साल से इंप्लीमेंट हुआ था जी, ऐसे योजनाओं को 10 लाख से 20 लाख तक इंक्रीज करने वाली बात हुई है जी। एमएसएमई सेक्टर को और ताकत देने वाली बात हुई है जी। तो आप जब इस बजट को पूरे तरीके से देखते हैं, ये बजट रोजगार और युवा केंद्रित बजट है जी। विशेष रूप में युवा जो हायर एजुकेशन देश के अंदर करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को 10 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने की बात इस बजट में हुई है जी। सो दिस इज़ अ यूथ सेंट्रिक, यूथ फोकस्ड बजट जी। सोना चांदी सस्ता हो गया, कस्टम ड्यूटी घट गई, तो बहुत सारे उपकरण सस्ते हो गए, तो आपको लगता है जो मध्यम वर्ग है उसके लिए एक बड़ी राहत है, और आयकर में भी स्लैब? हाँ हाँ, इम्प्रूव हो चुके मध्य वर्ग जो है, मिडिल क्लास है, उनको भी इससे राहत मिली है जी। पूरे टोटल के साथ आप पूरे बजट को जब देखते हैं, यू विल बी कन्विंस्ड दैट दिस बजट फोकसेस ऑन द लॉन्ग टर्म, दिस बजट फोकसेस ऑन फास्ट एंड रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस बजट वांट्स टू मेक द यंग ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट, स्किल्ड एंड जॉब रेडी जी। एक सवाल और है, आपने जैसा देखा कि वित्त मंत्री जी ने आंध्र और बिहार का मेंशन किया, तो विपक्ष कह रहा है कि वो तो सिर्फ पैकेज मांग रहे थे, आपने तो स्पेशल पैकेज दे दिया। देखिए, सिर्फ स्पेशल मेंशन किया गया है, और जिस योजनाएं उन प्रदेशों में कई सालों से पेंडिंग था, उसका कंप्लीशन के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स किया गया है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अलग अलग प्रांतों को नेग्लेक्ट किया गया है जी। असम का स्पेशल मेंशन हुआ है, उत्तराखंड हिमाचल का स्पेशल मेंशन हुआ है, ओडिशा का स्पेशल मेंशन हुआ है जी। तो इसमें भी पॉलिटिक्स देखना ये ठीक नहीं है जी। और बंगाल में हम देखते थे कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, अब तो आपके राज्य में भी CM ने करा दिया ED के खिलाफ। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार एक कुछ नई प्रथाओं को शुरू कर रहे हैं जी। भ्रष्टाचार में डूबे सिद्धरामैया की सरकार जी अपने कमजोरियों को जी बचाने के लिए और उसको कवर अप करने के लिए ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। दिस विल नॉट स्टैंड द टेस्ट इन द कोर्ट, इसको हम रास्ते पे, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर हम इसको लड़ेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।